देखो जरा इस लड़की की मस्ती। हाँ सच, माँ का सहारा ना सबसे बड़ा होता है। बम बम भोले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। और अभी बना रही हूँ छोले भटूरे। और इन छोले भटूरों की ना बहुत मस्त वाली स्टोरी है, बताती हूँ। एक्चुअली हम लोग गुजिया का सामान लाए थे, तो गुजिया बनानी थी। परसों हम लोग सामान लेके आए थे, मैंने सोचा था कल गुजिया बनाऊंगी। और कल जब मैंने आटा गूंदा गुजिया का, मेरा मन नहीं था, मैं बहुत थकी हुई थी, मेरे बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने सोचा यार इतने मन से लाए हैं तो चलो कैसे भी कैसे बना लेते हैं। और मैं बनाने बैठी, आटा वाटा गूंदा, तो मेरा आटा जो है वो गीला हो गया, गुजिया का मैदा। तो गुजिया के लिए तो अभी हार्ड आटा चाहिए रहता है। अभी वो इतना गीला हो गया ना कि गुजिया बनी नहीं रही थी, बनी नहीं रही थी। फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया और नहीं जब एंड में बनी ना तो मैंने छोड़ दिया। अभी गुजिया का मसाला सब वैसे पड़ा हुआ है और आटा रहा ये। तो फिर मैंने सोचा अभी क्या किया जाए, आटा वेस्ट हो जाएगा इतना। तो मैंने फिर इसे भारी छोड़ दिया था ताकि इसमें खमीर उठ जाए। और संदीप का आइडिया था वैसे ये, पतिदेव ने बोला कि इसके भटूरे बना देना, मैं छोले बना दूंगा। तो उन्होंने छोले बना के रखे हैं और मैं इसके बना रही हूँ भटूरे। तो देखते हैं भटूरे बनते हैं या नहीं। बाकी गुजिया का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, आज हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी बनाने की। एक बार पहले भटूरे बना लेती हूँ, वरना शाम तक देखूंगी दोबारा से आटा गूंद के फिर से ट्राई किया जाएगा, क्योंकि अंदर की जो स्टफिंग है वो तो मैंने बना के रखी है। तो देखते हैं ये जुगाड़ वाले भटूरे बनते हैं या नहीं। जय श्री राम। ज्यादा ही लंबा हो गया, कढ़ाई में आ नहीं रहा। इतना ऑयल जा रहा है ना इसमें, मैं तो नहीं खाऊंगी भाई। मैंने खाया तो पक्का मुझे उल्टियां चालू हो जाएंगी। मैं नहीं खाऊंगी, बहुत ऑयल जा रहा है। आप भी नहीं खाओगे? ऑयल बहुत जा रहा है इसमें, बीमार हो जाओगे। हाँ खांसी भी है आपको। तो प्लान कैंसिल भटूरों का। छोले किसके साथ खाएं फिर? कुलचा मैं नहीं खाती हूँ, समोसों में भी तो ऑयली होता है सर। अरे आप खाओगे ना समोसा? नहीं खाऊंगी मैं, कुछ नहीं खाऊंगी, मैं राइस बना लूंगी अपने लिए। ठीक है आप अपने लिए कुलचा ले आओ। चलो ज़्यादा आटा वेस्ट नहीं हुआ, इतना ही हुआ। ज़्यादा मैंने गूंदा भी नहीं था, आधा केजी आटा गूंदा था। मुझे पता था मैं नहीं बना पाऊंगी इस वजह से, भटूरा तो ऐसा बना ही है। क्योंकि यार भटूरे का आटा अलग ही रहता है, उसमें खमीर वमीर उठाना पड़ता है अच्छे से, तब से ही बनता है। बनाए हैं मैंने, अच्छे बनते थे। आज तो ये पता नहीं क्या पापड़ जैसा बन गया। ब्लिस क्लब से धोखा खाने के बाद मैंने फर्स्ट क्राई पे करा है विश्वास, फिर से मेरा पार्सल आ रहा है, देखते हैं कैसे आता है। थैंक यू। ये मास्टर तो करने लगे अनबॉक्सिंग भाई, इनको ज्यादा शौक है। बेटा आपका नहीं है वो, मम्मा का अलाउ दो, मम्मा करेगी अनबॉक्सिंग। ऐसे मुंह से नहीं करते, गंदा होता है वो कितना, आपको पता है। ये है बेला मम्मा की मैटरनिटी लेगिंग्स, फर्स्ट टाइम मैं ये ब्रांड यूज कर रही हूँ, देखते हैं कैसा है। ये रहा बेला मम्मा का जेगिंग्स लेगिंग्स, काफी बड़ा साइज है। और ये है बैंड इसका, थर्टी सिक्स साइज ये है। एमआरपी है 799, बट मैंने इसे मंगाया है 630-650 के अराउंड। सही है, क्वालिटी सही लग रही है इसकी, पहनने के बाद ही पता चलेगा कितना पहुंचता है। देखो जरा इस लड़की की मस्ती। हाँ कैसे, मम्मा का चश्मा है बेटा, टूट जाएगी पुचको। लाओ दे दो मम्मा को, इधर दो मम्मा को, लाओ दे दो मम्मा को। गुड बॉय, गुड बॉय। ये एंड शी इज अ गुड बॉय नाउ, क्लैप क्लैप। नो नो नो, ओह नो बाबा, लगता है मम्मा को नहीं करते। आपको कितना शौक है चश्मा पहनने का। अच्छा लो फिर, लो तोड़ना नहीं, लो हाँ।
मम्मी आई है मेरी हेल्प करने के लिए गुजिया बनाने में। आधा अधूरा काम करा मैंने। और आटा भी क्या बोलूं बोले तो मेरी मम्मी। आटा भी कढ़ाई में गूंदा जा रहा है क्योंकि मुझे परात नहीं मिल रही है। एक्चुअली परात ना वो टोकरी में है, नीचे बैठ के झुक के निकालनी पड़ेगी, इस हालत से नहीं निकाल रही मैं। ओ नंगू बंगू तुम क्या कर रही हो? इतना मेरा मसाला बचा था, वेस्ट हो जाता, बनाया नहीं जा रहा था। मम्मा को बोला मम्मा आ जाओ। सुपरमैन आया, एक नया सुपरमैन। सुपरमैन कैसा? बॉडी बिल्डर सुपरमैन। आ जाओ, ये कपड़े पहनो, कपड़े सुपरमैन कपड़े पहनो। सुपरमैन आमा काम करी करने दे बेटा। सुपरमैन बहुत बना दिया आपने। इनको फ्राई करती हूँ पहले। चलो भाई, अरे उठा दो अंशु, दूध उठाओ अपना, दूध गिर गया आपका। बम बम भोले, खाने का शौक तो खूब है, बनाने की हिम्मत नहीं रह रही। सच माँ का सहारा ना सबसे बड़ा होता है। आज अगर मम्मी ने हेल्प नहीं की होगी ना, मैं तो नहीं बना पाती, मेरे बस की तो थी नहीं। छोटी चीज़ है लेकिन बड़ी चीज़ है, क्योंकि तबीयत ख़राब है, दो दिन से अपने घर पे बना रही हैं। और उसके बाद मेरे एक बार कहने पे आ भी गई हेल्प करने के, कहा भी नहीं मैंने। मैंने बोला मम्मी यार मेरा मसाला पड़ा हुआ है, अंशु का हल्ला, मेरा मसाला पड़ा है बट मैं बना नहीं पा रही, वेस्ट होने वाला है। और मम्मी ने कहा मैं आ जाऊँगी, तो आ गई मम्मी और बन गई। क्यों परेशान कर रहा है आमा को तू? हाँ उसमें रखो, उसमें पकाओ ना, इसमें पकाओ लो। ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, हमें बस होने ही वाले हैं। आप आ गए तो बन गए मेरी गुजिया, वरना तो बना ली थी मैंने। नहीं मैं ना थी आ ले जरा दीदी, खुट्टा ले आ ले जान, मुंडा ले आ ले जान। अंशु चल लो, क्या कर रहे हो आप? निन्नू कर रहे हो? पापा पका रहा हूँ। गुजिया बना रही हो तुम? तुम मामा की हेल्प कर रही हो गुजिया बनाने में? अच्छा, व्लॉग भी जरूरी है भाई, आई जाओ। मेरी हालत पूरी बिल्कुल खराब है, इनकी भी मेरी भी। मम्मी चली गई है, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जाते हुए रिकॉर्ड करूं, चली गई मम्मी, बाहर भी नहीं गई बाय बोलने। बहुत थक गई हूँ, काम जबकि उन्होंने किया, थक मैं गई हूँ। क्यों हंस रहे हो? खाना खा लेती हूँ, खाना आ गया है, और ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। ओके, आज के लिए बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुभ रात्रि।